वायुसेना के बेस पर लश्कर के आतंकवादी हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि लश्कर के 6 से 7 आतंकी देश भर में एयरबेस पर हमले की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अंदेशा जताया है कि आतंकी सुबह के वक्त एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, और क्या डिटेल्स मिल पाई हैं, और ये क्या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट है किसी स्पेसिफिक एयरबेस को लेकर, या किसी भी एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, रॉ की रिपोर्ट है जो स्पेसिफिक एयरबेस का उन्होंने नाम मेंशन किया हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से हम इस बात नाम नहीं बता रहे। देश का बड़ा एयरपोर्ट है, एयरफोर्स के तमाम जो फाइटर प्लेन है वहां से ऑपरेट करते हैं, और C-17 जो ग्लो मास्टर है उसका वो बेस भी है, और C-130J जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो उसका भी बेस है। तो काफी क्रूशियल है, और जो इनपुट दिए गए हैं उसके हिसाब से 6 से 7 लश्कर के आतंकी हैं जो कश्मीर से वो निकले हुए हैं और उनके टारगेट पर ये एयरपोर्ट है। तो इसको लेकर के खासा सावधानी बरती जा रही है, और जो भी एयरपोर्ट इनको कहा गया है कि उनकी सिक्योरिटी कड़ी की जाए। हालांकि ये जो इनपुट आया है उसके बाद ये भी देखा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या ये वाकई स्पेसिफिक है, ये है या ये सिर्फ एक जनरल इनपुट है। जी मनीष, तो लश्कर के आतंकवादी एयरबेस पर हमला कर सकते हैं, और सुबह के वक्त इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। 6 से 7 लश्कर आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि इस हमले को अंजाम दे सकते हैं, उसकी फिराक में है।